जिनके द्वारा सबको ज्ञान मिला हुआ है उन कमेटियों को जाके समझाना है अपने अलग अलग धर्म निकाल कर नहीं मंदिर बनवाने वाले वो भी है भैया क्या हुआ होली का दहन हो गया त्रिमूर्ति का चित्र जैसे ड्रेसिंग रूम में चेंज किया है त्रिमूर्ति का चित्र जैसे है चेंज किया तो एडवांस में भी चेंज करेंगे ऐसे बाबा ने कहा एडवांस में भी चेंज हुआ कहाँ आगे होगा ऐसे बाबा ने कहा ड्रेसिंग वालों ने चेंज कहाँ किया है इन दादियों के तो लग वो तो काम थी स्टेज में तो एडवांस में भी एडवांस में बाबा थोड़े समय के लिए गुम हो जावे तो ये संभव है लेकिन जो एडवांस में होगा वही तो बेसिक की दुनिया में होता है ना होता है इसका मतलब परिवर्तन होना ही नहीं है क्या एडवांस में भी होना चाहिए होगा होगा क्या एडवांस में सबके बाप है कि नहीं है तो तामसी स्टेज में बाप नहीं होंगे वो तीन कौन है वो तीन मूर्तियाँ कौन सी रहेंगी तीन मूर्तियाँ कौन सी रहेंगी माना जैसे वहाँ पे तीन दादियाँ है ना तो यहाँ पे एडवांस में प्रत्यक्ष होंगी तीन दादियाँ तो बदलती रहती है उसमें भी तीसरी दादी तो बदलती रहती है जिस जोन में जाते हैं मेगा प्रोग्राम करते हैं उस जोन की दादी बैठ जाती है यहाँ पे जो है बीज रूप जो है हर धर्म के वो होंगे आदि के या अलग अलग मैंने जैसे अलग अलग धर्मों के जो ये है बीज रूप आत्मा है हाँ? वो होंगे क्या जी तो नहीं होंगे जो दूसरे धर्म के मुखिया होंगे वो ही हो सकते हैं तीनों से कोई स्त्री चोला भी होगा जो बीज का छिलका उतारा जाता है वो तो ज्ञान के डंडे से ही उतारा जाएगा तो उसमें तीनों जो है पुरुष चोला होगा या स्त्री चोला होगा बीज रूप आत्मा पुरुष है पुरुष प्रधानता वाली है या स्त्री प्रधानता वाली है स्वभाव की है लेकिन चोले की बात जहाँ पे है चोले की क्या लेना देना क्योंकि आगे चल के तो जो ये तो भाव स्वभाव संस्कार की बात है आगे चल के जो डुबीजा की शूटिंग होगी हाँ उसमें तो जो राज करने वाले हैं उनको मतलब माताओं के द्वारा ही होगा ना ठीक है जो तीन मूर्तियाँ होंगी तो चोला वाले होने चाहिए कोई भी हो लेकिन दूसरे धर्म के मुखिया होंगे सूर्यवंशियों में से नहीं होंगे सूर्यवंशी जैसे आदि में गुप्त थे वैसे अंत में थोड़े समय के लिए गुप्त हो जाते हैं दूसरे धर्म वालों के लिए थोड़ा ही बोला है जन्म लेने वाले जो राधा कृष्ण से बच्चे हैं वो जीवन मुक्ति पावेंगे उनको मुक्ति तो मिलती नहीं है जीवन में रहते रहते और तुम्हारे लिए मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है इसलिए दोनों ही श्रेष्ठ
बाबा को कहीं भी याद कर सकते हैं, बाबा धोती बन के आया है तो कपड़े धोते टाइम हम याद कर सकते हैं बाबा? हाँ, कपड़े धोते टाइम का जरूर याद करना चाहिए। पता है नहीं बाबा? बाबा ने कहा मुझे वहाँ याद करना है जहाँ तुम्हें अब जाना है। काम करते करते याद कर सकते? मुझे वहाँ याद करो जहाँ तुम्हें अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? नहीं नहीं दुनिया में चले जाएंगे। पहले बाप के घर में जाना पड़ेगा, नहीं आबू अब्बा के घर में जावेंगे या नहीं जावेंगे? आपके साथ जाएंगे। तो वहाँ याद करो जहाँ अब जाना है। शुरुआत भी वहीं से हुई, आज भी हम और अंत भी वहीं से होगा। तब तो राम और जगदम्बा का पार्ट भी वहां जाने के बाद ही भूलना चाहिए। हाँ बाबा, सबसे पहले जो है अपनी स्थिति को सूर्यवंश और चंद्रवंश धारण करते हैं ना। सबसे पहले चंद्रवंशी पहले धारण करते हैं, पहले सूर्यवंशी बाद में चंद्रवंशी। हाँ जी, मतलब जीते जी मरते हो पहले। ये बाबा ने उसमें एक मुरली में आपसे बोला है कि सबसे पहले इस्लाम ही मरेंगे। तो जीते जी मरने की बात है ना, वो भी मैंने चंद्रवंशी बाद में मरेंगे। नहीं, जैसे बाबा ने बोला ना, सबसे मुख्य जो है वो पहले खत्म हो गया तो बाकी जो है वो तो कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। सबसे पहले जो मुखिया है इस्लामी, वो जब अपनी स्थिति को धारण कर लेगा तो बाकी को कंट्रोल हो ही जाएंगे। सबसे पहले मुखिया तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी है। नहीं, इस्लामी जो है ना, इस्लामी में जो विकास प्रधान होता है वो जब जीते जी मर जाएंगे तो बाकी बौद्ध क्रिश्चियन बाकी वो तो मतलब कंट्रोल हो ही जाएंगे। पहले पहले जिंदा कौन हुए? नहीं, पुरानी दुनिया में इस्लाम धर्म ही तो पहले आया, तो जो पहले आया पहले वही मरेगा। सरेंडर होगा, सरेंडर भी पहले वही होगा, स्थूल में भी पहले वही जाएंगे। अभी जो विरोध कर रहे हैं वो सब सरल हो जाएगा। हाँ जी, सबसे पहले तो सूर्यवंशी होने चाहिए। उनके तो मरने की सवाल ही नहीं, विनाश में वो सहा होंगे क्या? उनको तो ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट प्रकाश मिलता है। बाबा, देवान से पूरे मरने के बाद कर्म विकर्म और अकर्म हो गए ही नहीं ना? देवान ही नहीं रहा तो पाप कर्म कहाँ से होगा? देवान है तो विकार है, विकार आते हैं तो पाप कर्म होते हैं। देवान ही नहीं तो पाप कर्म भी नहीं। सत्युग में देवताओं को देवान नहीं होगा तो पाप कर्म भी नहीं होंगे। आत्म की स्थिति होगी तो पाप कहाँ से होंगे? सहज को मुश्किल मनुष्य गुरु बनाते हैं, मुश्किल को सहज भगवान बनाते हैं। सबसे बड़ा मनुष्य गुरु तो ब्रह्मा है ना, तो उसने ब्रह्मा जी जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो गया या सहज हो गया? ब्रह्मा को ही फॉलो करने के लिए कर्मों में, कर्मों में फॉलो करने के लिए बोला, लेकिन कर्मों में फॉलो कहाँ करते हैं? कर्मों में फॉलो भी तो तब करेंगे जब पहले समझेंगे कि वो माँ का पार्ट है। उन्नीस सौ सड़सठ की बात तो समझ नहीं पाए बाबा। बाबा 1967 की बात समझ नहीं पाए, उन्होंने मुश्किल कर दिया ना। सारी बात ही उल्टी हो गई। तुम सुदर्शन चक्र घुमाते हो तो सब क्लियर हो जाता है।
बाबा पाकिस्तान बना तो तब तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। हाँ जी, तो ये कहें जो है वो बड़ी मम्मी के ऊपर लागू होती है और छोटी मम्मी के ऊपर, तो किसी आत्मा जरूरी है। बाबा कहते की बात नहीं करते, बात नहीं करती मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है, माने ब्रह्मा से बात नहीं करते, विजय माला की बात नहीं है। जो राधा कृष्ण जैसे जन्म लेने वाले बच्चे है, आत्मा रूपी बच्चे है, उनसे बात नहीं करते है। जो लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं उनसे ही बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। एक है सुनने और समझने वाले, और दूसरे है सुनने सुनने और समझने के साथ प्रैक्टिकल कर्म भी करने वाले। तो जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उनको प्रेफरेंस नहीं देंगे। सिर्फ समझने वालों को ही देंगे। सात्विक स्टेज में राम और कृष्ण होते हैं और तांत्रिक स्टेज में रावण और कंस बनते हैं। राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। शास्त्रों में गायन है कि रावण ने जो है सीता जो कि माता का रूप है उनको हानि पहुंचाया था, और कंस ने जो है कन्याओं को कोसने वाला। तो फिर बाबा ये जो तांत्रिक स्टेज जो धारण किया है, राम ही रावण बनते और कृष्ण ही कंस बनते हैं, उसमें जो हानि पहुंचा है वो तो स्त्री चोलाधारियों को बताया। तो क्या जब सात्विक स्टेज में होते हैं राम और कृष्ण, क्या उसी स्टेज में पुरुष चोलाधारी जो है जितने भी भाई लोग, क्या वो उसी स्टेज में संपन्न होते हैं कि जो तांत्रिक स्टेज धारण किया बाबा उसमें तो स्त्री चोलाधारियों को हानि पहुंचाया हुआ शास्त्र में दिखाया। पूरा डर लगता है तब चोटी पकड़ के उठाता हूँ। माना जब पूरे डूब जाते हैं तब उठाने का काम शुरू होता है, बीच में नहीं। जब राम ही रावण बनता है तो रावण सब बनता है। जन्म अभी रावण का रावण बनने का पार्ट है, या जब सारा का सारा काम समाप्त हो जाए तब रावण बनने का पार्ट है। स्थापना हो जाएगी तब रावण बनने का पार्ट है, या स्थापना होने से पहले ही रावण बनने का पार्ट है, तब रावण बनने का पार्ट है। तो रावण और कंस ये जो दोनों बने वो स्थापना से पहले की बात है ना बाबा। स्थापना से पहले रावण और कंस बनने की बात नहीं है। तेज धारण करने नहीं, जब दूसरी आत्माएं उस अति को पहुंचने में अक्षम हो जाती है तब रामकृष्ण की आत्मा वो पार्ट बजाती है तामसी। लेकिन उसने तो स्त्री चोलाधारी को हानि पहुंचाते हुए दिखाया। वो तो कोई भी हानि जब हानि पहुंचाई जाएगी तो कोई तो हानि उठाएगा। लेकिन स्त्री चोला को क्यों बताया है? स्त्री चोला को क्यों बताया? क्योंकि रावण ने सीता को स्त्री चोला आबला हो जाता है कलयुग के अंत में। हर युग में अबला नहीं होता है। लेकिन अबला का मैं बल बन के आया हूँ बाबा ने बोला है, वो तो स्थापना हो जाती है पहले ही। अरे स्थापना होगी तभी तो विनाश होगा। कंस और रावण ये विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, और विनाश अपवित्रता से होता है कि पवित्रता से होता है? अपवित्रता से होता है। तो विनाश का कार्य जो तब होगा जब पहले स्थापना होगी। स्थापना का काम पूरा होगा फिर जो अति है वो अति करने के लिए भी कोई चाहिए, तो साधारण आत्मा नहीं कर सकेंगी। ये वैज्ञानिक जिन्होंने एटम बम बनाए हैं वो एटम बम को नहीं विस्फोट कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? उनमें अति करने की ताकत ही नहीं है।
जो संबंधों की भी शक्ति होती है ना, कोई काम अटक जाता है उस काम को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहते हमारा संबंध ही वहाँ है, वो ये काम कर देगा। तो संबंधी की ताकत लेकर के पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं? अरे संबंधी की ताकत नहीं लगाई जाती है? लगाई जाती है। तो जो संबंधी की शक्ति है वो भी हम उसी इसलिए सेवा के कार्य में लगा दें। जो संपर्क में आने वाले हैं उनकी ही भी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाए, अपने कार्य के लिए यूज न करें, स्वार्थ के लिए यूज न करें। बाबा कृष्ण की आत्मा शिव के मुकर रत्न जब प्रवेश करती है बाबा जी में आते हैं, कृष्ण की आत्मा जब राम वाली आत्मा के शरीर में प्रवेश करती है बाबा, हाँ जी, तो बाबा ने बताया कि वो राम के प्रभाव में आने के लिए प्रवेश करती है। एक मुरली में कहा जो पावरफुल होगा वो प्रभाव में लाएगा, वो लाएगा। और एक वार्तालाप में कहा है बाबा ने कि कृष्ण की आत्मा भी प्रवेश करके राम को प्रभाव में लाती है, इसकी वजह से राम वाली आत्मा भी जो है अंधे बनते हैं। अंधे शूटिंग ऐसा करते हैं कृष्ण वाली आत्मा कि राम के शरीर में प्रवेश करके वो भी प्रभाव में लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाबा ने कहा है कि दृष्टि देते वक्त ऐसा होता है कि शूटिंग ब्रॉड में राम की आत्मा भी जो है अंधे बनते हैं। अंडे बनते हैं या अंधे बनते हैं? अंडे अंडे आंख चली जाती है। बाबा ये दो बात समझ में नहीं। एक है शिव की चोल, वो ज्ञान देने वाली है। एक है राम की चोल, ज्ञान लेने वाली वो भी है। एक है कृष्ण की चोल, वो भी ज्ञान लेने वाली है, लेकिन कृष्ण है बच्चा और राम है बाप। ज्यादा समझेगा कौन? बाप ज्यादा समझेगा। लेकिन हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? कि टाइम नुदा हुआ है, टाइम नुदा हुआ है। तो जब तक वो संपन्न ज्ञान की स्टेज नहीं होती है, पूरे 84 जन्मों का ज्ञान नहीं होता है, तब तक दूसरी आत्माओं का प्रभाव राम कृष्ण की आत्माओं के ऊपर भी पड़ सकता है। अब वो चाहे कृष्ण की आत्मा हो और चाहे कोई दूसरी पापात्मा हो। 84 जन्मों का तो पता पड़ चुका है ना राम वाली आत्मा को बाबा? ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो या कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? बाबा ने मुरली में कहा है, मुरली में कहा है कि राम की आत्मा 84 जन्मों का। ऐसा नहीं, बाबा ने मुरली में ये कहा है कि जिसको अपने जन्म के बारे में पता नहीं है वो बेवकूफ होता है। तो कभी राम वाली आत्मा कैसे बाबा? तुम बच्चे बाबा मुरली में बोलते हैं, तुम बच्चे समझदार हो तब तक समझदार हो और कब तक बेसमझ हो? नहीं, समझदार तब कहेंगे जब जिसके सामने पहुंचे वो कन्वर्ट हो जाए। जो भी सामने आवे वो चेंज हो जावे तब कहेंगे समझदार पारसनाथ। लेकिन बाबा मुरली में आया है कि राम पढ़ाने वाला है और कृष्ण पढ़ने वाला है। राम जो पढ़ाने वाला है उनमें एक है देहदारी राम और एक है निराकार राम। कौन सा पढ़ाने वाला है? बाबा मुरली में ये भी तो आया, मेरा तो एक ही नाम शिव है, तो राम कहाँ से नाम पढ़े? राम जब शरीर में प्रवेश करते हैं सब नाम बदल जाते हैं। मेरा नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं, लेकिन जब तन बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। लेकिन तन तो बदलने की बात ही नहीं आती। क्यों नहीं? शिव अपना तन बदलता नहीं है। दादा लेखराज के तन में प्रवेश करता है
तो ब्रह्मा नाम पड़ जाता ही नहीं। ब्रह्मा का काम जो है वो शिव ने किया है या दादा ने किया? शिव ने किया। वो तो पास की बात हुई बाबा। तो आप बात चाहे पास की हो चाहे वर्तमान की, बात तो एक ही साबित हो रही है कि जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाते हैं। अभी जो है देहदारी और निराकारी राम तो एक ही है ना बाबा? नहीं, व्यक्तित्व तो एक ही है लेकिन आत्माएं आत्माएं दो है। भक्ति मार्ग में ये गलती कर दी है कि शिव को एक और शंकर को भी एक समझ लिया है, लेकिन आत्माएं तो काम करने वाली आत्माएं दो है। उनमें पढ़ाने वाली आत्मा शिव है, पढ़ने वाली आत्माएं दो है, एक राम और दूसरा तत्व। तो दोनों को ही संग का रंग लगता है। अगर राम वाली आत्मा को 84 जन्म का पता नहीं पड़ा, अब तुम फैसला ही नहीं कर पा रहे तुझे पता पड़ा है कि नहीं पता पड़ा बाबा? हमारे हिसाब से कि पता पड़ा है, पता पड़ा है, लेकिन परसेंटेज में कहेंगे। संपन्न स्टेज हो जाए तो नारायण कहो कृष्ण कहो शिव कहो बात एक ही हो जाएगी। फिर तो स्थापना हो गई ना। संपूर्ण स्थापना कब तक रुकी हुई है? जब तक लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त नहीं करते। 76 से वो डिक्लेरेशन हुआ, पद तो प्राप्ति है ना बाबा। अभी वो तो पद और कोई ले ही नहीं सकते। कुर्सी पे सेट हो गए बाबा, जो हो नहीं सकते दूसरों को सेट कैसे करेंगे? ये बात नहीं है, जो जिस परसेंटेज में सेट होगा उतने परसेंटेज में दूसरों को आप समान बना सकता है क्या? जो परसेंटेज में सेट नहीं हुआ है वो दूसरों को परसेंटेज में सेट नहीं करा सकता है। हाँ जी, नित्य अनित्य का चक्र बात अलग। नित्य में बना रहना माना तीव्र गति से पुरुषार्थ करना औरों के मुकाबले। अनित्य आया, बार बार अनित्य आया माने पुरुषार्थ में बाधा पड़ गई। पुरुषार्थ में बाधा पड़ गई माने पीछे रह गया दूसरों के मुकाबले। माला का मणका नीचे हट गया। जो सदा निश्चय बुद्धि रहेगा उसका पुरुषार्थ सदा डेवलप करता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि निश्चय बुद्धि हो गया तो नारायण बन गया। और बाप अकेला जा भी नहीं सकता। बाबा हो जाए है तुम्हारे ऊपर कोई वजन पड़ रहा है क्या? बाबा ब्रह्मा की सोल जो है गुर्दारी में जाती है तो धारणा की वाणी सुनाती है। अच्छा, और ये भी कहा है कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो गुर्दा नदी को बुलाते थे बचपन में, तो उनकी बुद्धि जो है उनमें फंसी हुई है इसलिए उनमें प्रवेश करते हैं। तो जगदम्बा में जो प्रवेशता होती है तो वो धारणा की वाणी नहीं सुनाते। और जगदम्बा की आत्मा बीज रूप आत्मा है या गुलजार दादी की तरह कम जन्म लेने वाली आत्मा है? बीज रूप आत्मा। किसकी? वहाँ सातवीं होती है क्योंकि धारणा की वाणी जो है उसमें परिवर्तन है कुछ ना कुछ। हाँ? और इनकी अभी की जो वाणी है उसमें हाँ? कुछ परिवर्तन नहीं। तो अभी वाणी चल कहाँ रही है? जगदम्बा के द्वारा कोई वाणी चल रही है क्या? अभी चल रही है वाणी तो नहीं चल रही है अभी। प्रवेश किस आधार पर होगी जगदम्बा में? प्रवेशता इसी आधार पर होगी कि यज्ञ के आज में कनेक्शन था। जितना जितना ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा उतना उतना परिवर्तन होता जाएगा। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तन पुरुष का है।
इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब जो पूजनीय जगदम्बा है, ब्रह्मा का जो पूजनीय रूप है, वो कोई दूसरा है। तो असली जगदम्बा कौन है? दारूज वाला। जो असली जगदम्बा है वो कोई शारीरिक रूप में डब्बा है और उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा जगदम्बा है। तो जो फरिश्तों को मानने वाले बाबा ने बोला विदेशी, तो जो ब्रह्मा के फरिश्ता स्वरूप को जो प्रवेशता है जिनमें होती है, तो उनमें भी विदेशी का कुछ चिंता लगता है संसार, क्योंकि मानेंगे तो प्रवेशता होगी ना। हाँ, तो विदेशी पना का संसार लगता है, ऐसा है कुछ। तभी तो फरिश्तों को मानते हैं, भगवान को नहीं पहचान पाते, फरिश्तों को भगवान मान लेते हैं। सूर्यवंशी मन का कब बन गया? कौन जिन्हें जो मानते फरिश्तों को नंबर वन, जो फरिश्तों को मानते हैं वो सारे विदेशी बनने वाले। जगदम्बा भी तो मानती है, जगदम्बा फरिश्तों को कहा मानती है? ब्रह्मा की सोल तो आदि तो मानती है, ब्रह्मा की सोल को मानती है। सूक्ष्म शरीर से पार हो जा रहे, सूक्ष्म शरीर से पार की बात हो रही है। कृष्ण वाली आत्मा जो है वो ही भगवान का पार्ट बजाती है, उसके अलावा साकार में कोई भगवान नहीं है। ऐसे बहुत से ब्राह्मण है जो समझते हैं ब्रह्मा का जो सौम्य रूप है वही भगवान है, लेकिन ब्रह्मा जब धर्मराज का पाठ बजाए तो उसे भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे जगदम्बा का भी तो बताया कि 5 मार्च और 15 मार्च तो ये चल रहा अभी, इसमें सूर्य पृथ्वी और शनि ग्रह एक साथ में आ रहे हैं, तो 15 दिन में बोला ऐसा कुछ खतरा होने वाला है, जैसे पहले हुआ था तो नेहरू जी ने शरीर छोड़ा था और भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो अभी 15 दिन जो दिए वो तो इससे ज्ञान का क्या? अनुमान से नुकसान होता है, हम कोई अनुमान की बात को क्यों स्वीकार कर ले? जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दो, इन बातों का कोई आधार हमको मिला, कोई पक्का प्रूफ मिला है? नहीं मिला ना। सुन सुनाई बातों से भारतवासी दुर्गति को पाए और उसमें से हम क्यों गए? और जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होना है, उसके लिए एडवांस पार्टी तैयार है या नहीं है? तैयार बाबा, ये होली माना क्या है? जो होना था तो होली। नहीं, इसमें दो पार्ट होता है, एक तो होली जलाने का, दूसरा रंग उड़ाने का। दोनों का मतलब क्या, सामंजस्य क्या है यहाँ पर? कोई को रंग बिरंगा अच्छा लगता है, कोई को सफेद अच्छा लगता है, तो जिनकी दृष्टि में रंगीनी चढ़ी हुई है तो उनको रंग अच्छा लगता है। अब बाबा कहते हैं बिना सामने खड़ा हुआ है, तो बिना सामने खड़ा हुआ है तो रंगीन आंख में आनी चाहिए, फिर तो नहीं आनी चाहिए। तो जिनको वैराग आ गया उनके लिए होली। बाबा अंदर में ट्रिब्यूनल बैठेगी, एडवांस में बेसिक में लोग
सादिया के नाम डिक्लेयर हुए लेकिन यहाँ अंत में एडवांस में कौन नाइट ट्रिब्यूनल है? क्यों अभी तक ट्रिब्यूनल का पता ही नहीं चला? वो सही सही विचार लगाया कि है? वो सही सही न्याय देगी, ऐसी ट्रिब्यूनल बैठेगी, ऐसे कहा है ऐसी ट्रिब्यूनल बैठेगी जहाँ पे बिल्कुल पार्सलिटी नहीं चलेगी, अपने अपने बुनियाद पे ही अपने हर एक को आगे रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी एक ट्रिब्यूनल है कहाँ? है कहाँ? हमारे अभी होनी चाहिए, अभी धर्मराज का पाठ शुरू हो गया। बेसिक में तो डिक्लेयर कर दिया वहाँ के लोगों ने, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वो तो सब बहुत कुछ डिक्लेयर करते जा रहे हैं, वो तो भगवान का पार्टी डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने गीता का भगवान ही डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने सुखधाम और शांति धाम ही डिक्लेयर कर दिया, बाबा शास्त्रों में आजानी नाम आया है। अजामिल का बाबा ने मतलब बताया जो बकरियों से जाके मिलते हैं, लेकिन वो शास्त्रों में इतना बताया कि अजामिल इतना अधिकारी था इसके बावजूद वो स्वर्ग चला गया, ये कैसे बाबा? पापियों का ही तो उद्धार करने आता है। हैं? लेकिन बकरियों से जाके मिलने की बात कैसे लागू होती है बाबा? हैं? पापियों का उद्धार करने तो शिव बाबा आते हैं ना। हाँ, तो अजामिल पापी था, उसका उद्धार किया। अहिल्या पापिन थी, पाप का कर्म किया, उसका उद्धार किया। वास्तव में किसका पार्टी? नंबर वार तो सब अजामिल। नंबर वन में कौन है? हैं? नंबर वन में कौन है? नंबर वन में जो 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 भेड़ बकरियों से जाके मिल जाए, शेरों के कुल को छोड़ दे, यही कि आज से लेकर के अब तक चल रहा है। बहुत ही विकारी बताया बाबा साहब। राजा दशरथ ने और गांधारी ने हुजूम को अपनाया या श्रेष्ठ पांडवों को अपनाया? हुजूम को अपनाना, हुजूम के पीछे चलना, वो ही भेड़ बकरियों का काम? आत्मा अंगूष का मित्तल है, आत्मा मंजर है, मंजर का मीनिंग मंजर, आत्मा अंगूष का मित्तल है, आत्मा मंजर है, इसका दूसरा बोला मंजर में का मीनिंग आत्मा अंगूष का कारण है, दूसरा बोल रहे आत्मा मंजर है। मंजर क्या? मंजर का मतलब पूछ रहे हैं, मंजर क्या? मंजर तो नहीं बोला, जितने भी जो दादिया है वो जितने भी दादिया है वो हमको यही समझते कि अभी कितना स्वर्ग देते हो, हम तो स्वर्ग में रेलवे प्लेन नहीं थे, हम सब सुविधा हो गई, फिर हम स्वर्ग तुम स्वर्ग समझ आने वाला स्वर्ग वो आएगी नहीं। स्वर्ग में है वो पंप एंड शो वाला स्वर्ग है या बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग है? कोई तो निमित्त बनेंगे, आधार मूर्तों में कोई तो जड़ बनेंगे, जो बनेंगे वो बन रहे हैं। Thank you.
बाबा अगर विदेशी धर्मों के बीच अगर सूर्यवंशी के बारह को मिले तो बाकी जो करने वाले उसके बाप जो बारे होंगे वो इब्राहिम को फॉलो करने वाले जो बारह है बारह का जो ग्रुप बनता है उसके तो आखिरी के चार नंबर देव जो है वो विदेशी धर्म के बीज है ऐसे ना धर्म के बीज बीज कहाँ तो सूर्यवंशी है विदेशी धर्म के बीज वो तो सूर्यवंशी है सूर्यवंशियों में नष्ट देव है जैसे अष्टदेव है अष्टदेवों में आठ जो है वो आठ आठवीं जन्म में जाकर के नीचे गिरते हैं ऐसे वो भी वो ऐसे हैं जो आज से लेकर के अंत तक वो विरोध का बीज डालने वाले हाँ जैसे वहाँ त्रेता के अंत में जाकर के नष्ट बनते हैं नष्ट करने वाले बनते हैं ऐसे ही हर धर्म की स्थापना में अंत में नष्ट करने के निमित्त बन जाते हैं जैसे और जो स्थापनाकारी है पालनाकारी है वो हर धर्म की जब राजा ही स्थापन करनी होगी तो वो सहयोगी बनेंगे आठ लेकिन जब पराभव होना होगा उस धर्म का उस राज्य का तो वो पहले आगे आएंगे नष्ट देव बाबा जैसे मुगल सल्तनत जो चली थी हाँ जी उसका फाउंडेशन डाला तो उसको भी आत्माएं थे आठ आठ फाउंडेशन के बाद आठ मुगल सल्तनत जैसे खत्म होने आई तभी ये बेटे सक्रिय पायलट बजाते इनकी तरफ से बजाते जो नष्ट करते उनकी तरफ से या उसी सल्तनत में रह के अपने आप को नष्ट करते उसी सल्तनत में रह करके अंदर अंदर नष्ट कर देते माना मुगल सल्तनत में रहकर ही उन्होंने अपने आप को हाँ जी बाबा जो मुगल धर्म मुसलमान धर्म हिंदू धर्म को पूजा कैसे करते हैं हिंदू धर्म को मानने वाला बताओ हिंदू धर्म हिंदुस्तान में आकर जब मुसलमान घुस गए तो दोनों एक दूसरे को संग रंग लगता है ना जय सिंह जैसे राजाएं हुए बड़े बड़े राजाएं उन राजाओं ने अपनी बेटियों की शादी करा दी तो बेटियां अपना अपने जो परिवार के अंदर जो रीति रस्म रिवाज है वो मुसलमानों में पिरोएंगी या नहीं पिरोएंगी ऐसे ही एक दूसरे में संसर्ग होता जाता है एक दूसरे की संस्कृति एक दूसरे में अपनाते जाते हैं हाथ में जयप्रकाश नारायण कौन अहमदाबाद में जो था जिसने एजुकेशन शुरू किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ अपोजिट पार्टी को लेकर नहीं अपोजिट पार्टी बना दी जनता पार्टी हाँ जनता पार्टी वो भी स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा संघर्ष किया उन्होंने वो
भगवान नीचे आते हैं एक तरफ एक दूसरे तरफ दो हाँ, नहीं नहीं माला है माला में इस तरह आते हैं तो एक तरफ सूर्यवंश और दूसरी तरफ चंद्रवंश सूर्यवंश के बार है और चंद्रवंश के बार है हाँ। मध्य बोलते हैं कि तिरुपति भगवान अपना कुबेर का कर्जदार था एक बनता है सर कुबेर का कर्जदार है मध्य में तो मानते हैं तिरुपति भगवान को कुबेर को धन देना है कर्ज लिया वो अभी कर्जदार नहीं बन रहा है और उनके वहाँ पे जाकर सब लोग बाल चढ़ाते हैं अपने सिर मुड़वाते हैं माता मुड़वाते पिताएं नहीं मुड़वाते इसीलिए ये सब कर्जदार है उससे उसको कुबेर का कर्जदार बताएगा उसको कुबेर का कर्जदार बताएगा हाँ जी कुबेर को जो नारायण है तो वही है नहीं नारायण जो है वो कर्जदार है कुबेर का है धन संपत्ति का स्वामी जिसके पास स्वामित्व चला गया धन संपत्ति का धन संपत्ति आती कहाँ से पवित्रता से दुनिया के सारे काम होते हैं देयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी शुरू में कहा था बैठ के इनका परिवर्तन करना है हम जो कब श्रीमती का समय इनका परिवर्तन करना है उनके सामने बाबा को उनके समझ मिला कर श्रीमूर्ति इकट्ठा हो जाती है श्रीमती की पॉल भी मिल जाती है बाबा भी है सुबह काफी सुबह से सुहाना हो जाता है जिसकी बुद्धि में त्रिमूर्ति बैठी होगी तो त्रिमूर्ति शिव को भी याद कर लेगा तीन मूर्तियां ही नहीं बैठी होंगी तो त्रिमूर्ति शिव की याद है क्यों रखते थे आई बाबा के सम्मुख के चित्र में जो भारत को लेटा हुआ दिखाया कांटों की शैया पे वहाँ पर सुकुन बेगर रूप बताया है इसके बावजूद उनके सिर पे जो नेहरू जी का टोपी जैसा दिखाया है वो कहाँ से आया इज्जत है और आदि में संयम जी ने मुझे तीन आत्माएं बोली बाबा विजय जी दो ही आत्मा कौन से चित्र में दो आत्मा है जहाँ पर रशियन और अमेरिका जो दो दिखाई है वही तो धनवान है जो के अंत में बौद्ध लोग धनवान है या क्रिश्चियंस और इस्लामी धर्मान क्रिश्चियंस और इस्लामी धर्मान बनते हैं बौद्ध लोग तो भिक्षु बन गए भिखारी बन गए वो कैसे धनवान वो देंगे कहाँ से वो जिस समय की यादगार है उस समय बुद्धिमान थे आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक का जिक्र भी नहीं किया अपने शास्त्रों में और फिर भी जो धर्म की धारणाएं है वो बहुत श्रेष्ठ बता दी तो बुद्धिमान हुए ना तो बुद्धि को बड़ा कैसे दिखाए इसलिए बड़े बड़े चित्र दिखा दिए जैसे पांडव बहुत बुद्धिमान थे तो उनकी बड़ी बुद्धि कैसे दिखाए
तुम बड़े बड़े शरीर दिखा दिए। उन्होंने भी भीम से उनको बहुत भीम का दिखाया। उसने अकेले ही 100 किसकों को और 100 कौरवों को वध किया। तो बुद्धि चाहिए ना। राष्ट्र को उससे ज्यादा डर है। धृतराष्ट्र ये देखता था कि भीम कहाँ है आज, है? मेरे कौन से बच्चों के सामने गया है, उसी को मारने के लिए बाहु फैलाया। अरे वहाँ जो वाद्य यंत्र होंगे सब यूज नहीं करेंगे? वाद्य यंत्र है वहाँ, यहाँ तो कृष्ण के हाथ में मुरली इसलिए दिखाई है कि वास्तव में कृष्ण की आत्मा ही ज्ञान, कृष्ण की आत्मा के द्वारा ही इससे ज्ञान सुनाते हैं। उसे संगम युग की बात हो गई, लेकिन वहाँ कोई ज्ञान की मुरली उनके हाथ में होगी क्या? कि नैसर्गिक बाजा है तो प्राकृतिक बाजा है, बांस की बजरी है। संगम की यादगार दिखाते हैं चित्र में, लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे वो जो बाहर के सचिव में, तो कोई उसकी तो कोई हिस्ट्री नहीं। हाँ सचिव की कोई हिस्ट्री नहीं, इसलिए राधा को भी मुरली दिखा दी। संगम की यादगार, अरे संगम युग जो लक्ष्मी नारायण है उनको ज्ञान के प्रकाश में दिखाया गया चारों तरफ से, और राधा कृष्ण के चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश नहीं है। माने वो संगम युग में है लक्ष्मी नारायण, और राधा कृष्ण स्वर्ग में है। वो भक्ति मार्ग का चित्र नहीं है, आप उसे भक्ति मार्ग समझ रहे। भक्ति मार्ग के चित्रों में संगम युग की यादगार है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, भक्ति मार्ग का चित्र है, ज्ञान मार्ग का चित्र है। ज्ञान माता चित्र है, पुरानी कैसेटों में आया है कि क्वीन विक्टोरिया का जो पाए थे बाबा वो छोटी माता है। ठीक है, जब विजय माला है तो विक्टोरी है। उनका जो वजीर है, हाँ तो बाबा ने कहा कि एक ही जन्म में वजीर बन जाता है। हाँ एक जन्म, हाँ सारा कारोबार कौन चलाता है? वजीर चलाता है। वजीर चलाता है, लेकिन बाबा अभी जो मौजूदा इतिहास है बाबा, हाँ? बता रहा है कि क्वीन विक्टोरिया का जो है विवाह एक प्रिंस अल्बर्ट नाम के राजकुमार से हुआ था। हाँ? और बाबा ने तो कहा है कि छोटी माँ जो है वो तो बनी रही शंभू की, या तो रहेगी कुंवारी है, बनी रहेगी शंभू की या तो रहेगी कुंवारी। विक्टोरिया वो तो है, वो तो वो क्या नाम बाहर की दुनिया से तो उसका वो दिखा दिया है। जैसे नेहरू जी को दिखाते हैं, गांधी जी को दिखाते हैं, तो कोई गांधी जी दादा लेकर की आत्मा थोड़ा ही है। पार्ट बाबा ने बोला, हाँ पार्ट बोला, सैनी करने के हिसाब से, सैनी करने के लिए बोला है। ये थोड़ा ही थी वो आत्मा जो विक्टोरिया है वो छोटी मम्मी है। हाँ धृतराष्ट्र का जो वजीर था, धृतराष्ट्र जो है ना, उसका वजीर विदुर जो है, तो उसको बहुत बुद्धिमान मानते हैं ना। विदुर माने विद्वान, लेकिन उसकी सलाह कोई मानता नहीं था, ऐसे दिखाते हैं। तो मतलब उसका कारण क्या था? आज की दुनिया में ऐसे नहीं कि भारत में विद्वान लोग नहीं है। जो शेष सलाह देने वाले लोग नहीं है, अखबारों में बड़े बड़े लेख आते हैं, विद्वान लोग लेख लिख रहे हैं,
उनमें रास्ता बताया हुआ है कि ये रास्ते पर गलत जा रहे हैं, लेकिन मानते कौन है? इसलिए भारत के जितना भी बौद्धिक तबका है वो सब विदेश में जा रहा है। लेकिन वहां उनको दास दासी बना के रखते हैं, कहां विदेश में। अभी पैसे ही नहीं दे पाते हैं, रहेंगे कहां से? सबसे बढ़िया विदुर तो शिव बाबा है। जो भी राय सलाह ले, चाहे इस्लाम धर्म का बीज हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाला हो। कौरवों को भी तो गीता ज्ञान सुनाया गया था ना। गीता ज्ञान तो तीनों सेनाओं के बीच में सुनाया गया, तो सच्ची सलाह तो सबको दी गई, लेकिन मानने के ऊपर है ना। जो मानेगा तो पाएगा। मोह में आ गए तो भगवान की सलाह को कैसे मानेंगे? जैसे किसी आदमी का गला दबाया जाए तो मोड़ा लाल हो जाता है कि नहीं? बाबा उसी में है कि कलयुग के आखिर में अंत में प्रजापिता भी गिरता है, प्रजापिता की भी दुर्गति होती है, इसलिए फिर वो नंबर वन में सदगति में प्राप्त होता भी है बाबा। बोलो बोलो बोलो, पूरी बात कर लो। एक तरफ ये भी कहा है कि नहीं सुनाई बातों से भारत ने दुर्गति पाई, तो क्या प्रजापिता वाली आत्मा नहीं सुनाई बात पर भारत ने नहीं दुर्गति पाई, भारतवासियों ने पाई? भारत इधर हाथ धो के पीछे पड़ा मिलता नहीं। हाँ भारत ही आया, नहीं भारत नहीं आया, भारतवासी होने, भारत के, भारत की आत्मा में जो वास करते हैं, माने जिनकी आत्मा भारत के अंदर रमण करती है वो भारतवासी। जो राम को याद करते हैं वो सब है भारतवासी। चलो पूरी बात तो कह लो। हमने तो ये सुना था, सुनने को आया था मुझे कि भारत दुर्गति को प्राप्त होता है। भारत दुर्गति को प्राप्त होता है तो भारतवासी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन भारत कब दुर्गति को प्राप्त होता है और भारतवासी कब दुर्गति को प्राप्त होते हैं ये बात है। कोई कोई भारतवासी तो ऐसे हैं जो द्वापर युग से ही दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जब से इब्राहिम आया उसी समय से दुर्गति को प्राप्त होने लगे। कोई भारतवासी ऐसे हैं कि जब से बौद्धि आए तब से दुर्गति को प्राप्त हुए। कोई ऐसे हैं जब से इस्लाम वो क्या नाम क्रिश्चियन आए तब से दुर्गति को प्राप्त हुए। तो अपना अपना कनेक्शन है गुरुओं का। जिन गुरुओं से जिनकी दुर्गति निधि हुई है उनके कनेक्शन में जब आते हैं तो नीचे गिरते। जो बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानता, इसलिए नीचे तो गिरता है
ऐसे नहीं कि संग का रंग उसको लगता नहीं है। अष्टदेव जो है वो आठों अष्टदेव आठ धर्मों में नीचे गिरते हैं, तो राम वाली आत्मा कौन से धर्म में नीचे गिरती होगी? हाँ, आखिर जन्म में जाकर के पूरा नास्तिक भारत बन जाता है, माने वो किसी को नहीं मानता, किसी को न मानना और भगवान भी मिला नहीं, तो नास्तिक हो गया ना, तो नीचे गिरता है। तब से बाप प्रवेश करते हैं। हाँ जी, दुनिया में सच्चाई का नाम निशान नहीं रहता, सच्चाई को कोई सपोर्ट नहीं करता, तो आदमी सोचता है कि सब झूठा है, किसी को नहीं मानना है, फिर नास्तिक हो जाता है। तिरासी जन्म व्यास बन करके कौन सी आत्मा रही होगी? तो जो आज से ही व्यास बन करके रही हो वो सबका गुरु बन करके बैठेगी या कोई का चेला बन करके बैठेगी? हाँ, बेसिक में आई तो जिसने बेसिक ज्ञान दिया उसकी बातों को माना क्या? निमित्त मात्र बेसिक ज्ञान देने वाला हो गया है? हाँ हाँ, ब्रह्मा बाबा थे मौजूद, जिस समय ब्रह्मा को भगवान के रूप में माना गया राम वाली आत्मा के द्वारा, उस समय ब्रह्मा मौजूद था नहीं था ना? हाँ जी, ठीक है, तो इस हिसाब से माना कई बार ऐसा होगा कृष्ण वाली आत्मा ने राम वाली आत्मा को जन्म दिया होगा, माना कृष्ण आत्मा ने जो रास्ता बताया उसी रास्ते से चला भी होगा ना? जब त्रेता युग में राम वाली आत्मा जन्म लेगी तो किससे जन्म लेगी? कृष्ण वाली आत्मा से। फिर द्वापर में त्रेता के अंत में कृष्ण वाली आत्मा किससे जन्म लेगी? राम वाली आत्मा। कलयुग में भी तो ये होगा ना बाबा, जो सत्युग त्रेता में होता है वो ही उनसे करके द्वापर कलयुग में होता है। कृष्ण वाली आत्मा ने जब रास्ता बताया होगा अपने बच्चे को, राम वाली आत्मा इस रास्ते में चलो कर। अज्ञान काल की तो बात है छोड़ दो, यहाँ पर होता है ना? नहीं नहीं, यहाँ ब्रह्मा वाली सोल जो है वो राम वाली आत्मा को पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती, लेकिन कोशिश जरूर करती है ना बाबा। सोल कृष्ण वाली आत्मा पढ़ाई पढ़ाने की? हाँ वो तो ठीक है, समीकरण कुछ न कुछ तो लगता तो है, मन है, मन तो प्रबल है, बुद्धि उतनी प्रबल नहीं है, जब तक बुद्धि ने उतना ज्ञान धारण नहीं किया है, 100% ज्ञानी है तो शंकर तो बैल के ऊपर सवार हो जाएगा, छलांग लगा दे। तो बात ही खत्म हो जाएगी। जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय होगी। हाँ, तो सब सन्यासी में सबसे बड़ा सन्यासी तो बनूंगा। हाँ, इसी तरह से जैसे चाणक्य जो है, चाणक्य सबसे बड़ा सन्यासी था जिसने जीत दिलाई, तो गंगा का पाठ चाणक्य का हो सकता है। चंद्रगुप्त का पाठ पाठ किसका? उसको विजय दिलाई है ना। हाँ, उसका भी बाप वही होगा सबसे बड़ा। चाणक्य तो बुद्धिमान था, को
राजा स्वतंत्र का लक्ष्य देकर के वो बात शादी इसलिए नहीं थी कि वो भी राज्य के कल्याण के ऐसे ही सन्यासी किसे कहते हैं, गृहस्थी किसे कहते हैं? घर बार बनाए तो गृहस्थी, घर बार न बनाए। अरे अपनी बेहद की गृहस्थी नहीं तो दूसरे के बेहद की गृहस्थी कैसे बनाएगा? राजा बनाया चंद्रगुप्त को, ये बात ठीक है। चंद्रगुप्त की राजाई स्थापन की, चंद्रगुप्त को राज्य दिलाया। पवित्र दृष्टि मार्ग होता ही नहीं है द्वापर युग में। बाबा तो आकर के पवित्र दृष्टि मार्ग स्थापन करते हैं, सन्यासी जो है खुद अपवित्र होते हैं। बराबरी नहीं हो सकती सन्यासी। चाणक्य तो जो असली सन्यासी था ना, शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य, उससे भी कई सौ साल पहले हुआ है। तू तो उसके पत्नी थी नहीं? अविवाहित होते उन्हीं को तो सन्यासी कहा जाता है। जो बाल ब्रह्मचारी है, सारे जीवन ब्रह्मचारी बनकर के रहते हैं, वो पक्के सन्यासी है। वो जंगल में रहते हो और चाहे शहर में रहते हो, क्या अंतर था? संन्यास धर्म कोई संन्यास धर्म से ही नहीं शुरू हुआ है। संन्यास धर्म की शुरुआत तो बौद्धियों से ही शुरू हो चुकी थी। नहीं बौद्धियों, ये बात नहीं कहा कि चाणक्य बौद्धियों में से था, संन्यास धर्म की बात बताई है। हाँ जी चाणक्य तो बौद्धियों से भी पहले था।